पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी द्वारा सीने स्टार और प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर के नाम की घोषणा के बाद आज मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेसी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी पत्रकारों के सवाल पर भड़क गए। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां चरम पर हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद की लोकसभा सीट अपना अलग मकाम रखती है, क्योंकि 2009 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन यहां से सांसद चुने गए थे। कल देर रात कांग्रेस कमेटी द्वारा यहां से राज बब्बर के नाम की घोषणा होने के बाद से मुरादाबाद की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उसी के मद्देनजर आज मुरादाबाद मंडल के प्रभारी और कांग्रेसी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुरादाबाद पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद वो पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। पहले तो अपने मन माफिक जवाब देते रहे, पर जब राज बब्बर को पैराशूट प्रत्याशी का सवाल आया तो नेताजी अपने आपा ही खो बैठे और भाजपा और सपा के नेताओं पर बरसते हुए बोले कि मोदी और मुलायम को ही पैराशूट प्रत्याशी बताना शुरू कर दिया। वहीं मीडिया कर्मियों के और चुटकुले सवाल पर उनकी भौं तन गई। दरअसल अभी कुछ दिन पूर्व राज बब्बर और नसीमुद्दीन के मंच से महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा आह्वान किया गया था कि वोटर को सिर्फ हाथ का पंजा निशान देखकर ही वोट देना है, चाहे प्रत्याशी पाकिस्तान से ही आकर चुनाव क्यों न लड़ ले। पत्रकारों ने जैसे ही इस पर सवाल किया तो नेताजी भड़क के उठे और बोले, उन्हें भी लंबा अनुभव है, आप लोग उनके मुंह में सवाल डाल रहे हो, लेकिन यहाँ की मीडिया बेहतर है। देखिए, चुनाव की कोई भी रणनीति आउट नहीं की जाती। आउट करने का उद्देश्य, आउट ना करने का उद्देश्य ये नहीं कि आपको पता ना चले। आउट ना करने का उद्देश्य ये होता है कि हमारे विरोधी को हमारी रणनीति का पता ना चले, ताकि अगर पता चल जाएगा उसकी काट ढूंढ लेगा। और ये हमारा ही नहीं, सभी पार्टियों का ही व्यू होता है। इसलिए रणनीति तो हम आउट नहीं करेंगे, रणनीति पूरी तरीके से बन गई है और आज की मीटिंग उसी रणनीति का एक हिस्सा है। 2009 में मोहम्मद अजहरुद्दीन ने लोकसभा टिकट यहाँ से लिया था और वो उस पर विजय भी हुए थे, लेकिन 2014 में कांग्रेस को मन मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राज बब्बर मोहम्मद अजहरुद्दीन वाला करिश्मा दोहरा पाएंगे, क्योंकि 25 साल बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में दी थी। देखिए, मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब को यहाँ के लोगों ने जिताया, कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताया, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। क्या मोहम्मद अजहरुद्दीन से पहले कभी नहीं जिताया? जब से लोकतंत्र हमारे देश में आया, सबसे ज़्यादा मुरादाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के ही प्रत्याशी जीते हैं और इस बार भी यहाँ के लोग, यहाँ के मतदाता, मुरादाबाद के साथ साथ पूरी कमिश्नरी की हमारी मीटिंग है, तो अभी फिलहाल हम कमिश्नरी की बात करेंगे, वरना हम प्रदेश और देश की बात करते। पूरी कमिश्नरी के कैंडिडेट्स को हमारे कमिश्नरी में आने वाले सभी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी हमारे मतदाता हैं वो जिताएंगे, हमें पूरा भरोसा है। एक चीज और, रात से जैसे नाम राजापुर जी का आया है, दूसरी पार्टियों ने पैराशूट का नाम दे दिया कि पैराशूट प्रत्याशी घोषित किया जाएगा, पैराशूट बताया। देखिए, ऐसा है, अगर मुलायम सिंह यादव जी पैराशूट हो सकते हैं तो राज बब्बर जी भी हो सकते हैं, अगर मोदी जी पैराशूट हो सकते हैं तो राज बब्बर जी भी हो सकते हैं, अगर राजनाथ सिंह जी पैराशूट हो सकते हैं तो राज बब्बर भी हो सकते हैं। और हमें खुशी है कि बड़े नेता अगर पैराशूट हैं तो हमारा भी कैंडिडेट पैराशूट अगर कहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जब यहाँ की जनता को नहीं है, यहाँ के वोटर्स को नहीं है, तो लोगों को कहाँ से होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के मुद्दे को आगे लाकर चुनाव लड़ने की बात करिए, कांग्रेस के लिए क्या मुद्दे महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं इस बार? कांग्रेस कि जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, युवाओं के हित में, इस मुरादाबाद के जो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, उस उद्योग के हित में। और बड़े अफसोस की बात है कि लगभग पाँच साल हो गए मोदी जी को, 2 साल हो गए योगी जी को, मुरादाबाद जो है अपनी पहचान पूरी दुनिया में रखता है पीतल नगरी के नाम पे। छोटी छोटी सी जगह है पर सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गए, मुझे एतराज़ नहीं। एक की जगह 4 बने, मुझे एतराज़ नहीं। छोटी छोटी जगह पर सरकारी यूनिवर्सिटियाँ बन गई, मुझे एतराज़ नहीं। एक की जगह 4 बने,
मुरादाबाद जो पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, आज तक इन सरकारों ने एक सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया, इन सरकारों ने यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए एक सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनवाया। गिनती गिनाऊंगा, मैं तो 6 महीने से सिर्फ मुरादाबाद में घूम रहा हूँ अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, और यहाँ के नेताओं ने क्या किया है उनकी असलियत जानने के लिए। असलियत बताना शुरू करूँगा तो मेरी मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, 4 घंटा में इनकी असलियत ही बताता रहूँगा। क्या पाकिस्तान से भी कोई कांग्रेस प्रत्याशी ला रही लड़ाने के लिए? आपके मन से भी 20 दिन पहले कहा गया था केशव प्रसाद जी ने कि अगर कोई पाकिस्तान से भी आता है तो उसको भी लड़ाएंगे कांग्रेस। देखिए ऐसा है, वो कांग्रेस का मंच नहीं था, इसका जवाब वही देंगे, उनसे पूछिए। वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बयान को मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? जो कुछ जवाब देंगे वही देंगे। मैं दूसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जवाब मैं क्यों दूँ? क्या 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 यहाँ जो कैंडिडेट आया कांग्रेस का वो पाकिस्तान से आया है? जब आ चुका है, एक मिनट मेरी बात, आपने सवाल कर लिया। जब कैंडिडेट आ चुका है, सर वो विदित है कि वो कहाँ का है, और जब विदित है कहाँ का है, आ चुका है, तो आने के बाद अब पाकिस्तान का सवाल कहाँ से आ गया, ये प्रश्न ही नहीं उठता है। अब वो मैं आपको मैच्योर्ड जर्नलिस्ट मानता हूँ, क्योंकि मैं भी 18 विभाग का मंत्री रहा, एक टाइम पे राष्ट्रीय महासचिव किसी पार्टी के रहा, नेता विरोधी दल रहा, इतना तो मैं जानता हूँ कि काबिल पत्रकार वो है कि अपनी बात मेरे मुंह में डाले और उसको मेरे मुंह से निकलवा ले। तो आप काबिल पत्रकार हैं, आपकी काबिलियत को मैं धन्यवाद देता हूँ। जी सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। 2009 में जब मोहम्मद अजहरुद्दीन जीते थे, उसके बाद लोगों के मन में एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से अजहरुद्दीन के बारे में कहा जा रहा था कि मुरादाबाद में रहकर ही जनता की सेवा करेंगे, लेकिन वो मुरादाबाद में नहीं रहे, उसको लेकर यह है कि क्या राज बब्बर अगर जीतते हैं तो वो रहेंगे, इस बात का आश्वासन आप जनता को देते हैं? पहली बात तो ये है कि ये काल्पनिक प्रश्न है कि नहीं रहे। एक आदमी कोई ऐसा न्यूट्रल, ये हमारी विरोधियों की साजिश है, ये काल्पनिक प्रश्न है जो आपने किया है। एक आदमी कोई न्यूट्रल या हमारी कांग्रेस पार्टी का ले आइए जो ये कह दे, पूरे 4 मंडल के 4-5 जिलों के यहाँ भरे हुए कोई एक आदमी ये कह दे, आपके प्रेस मीडिया में से कह दे कि मैं ये कहता हूँ, एक तो ये आपकी बात का काल्पनिक का जवाब हो गया। दूसरा ये है कि राज बब्बर साहब पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, राज बब्बर साहब लोकसभा के भी मेंबर थे, राज बब्बर साहब राज्यसभा के भी मेंबर है, राज बब्बर साहब क्या हैं, राज बब्बर साहब कितना टाइम बिना यहाँ के कैंडिडेट, बिना यहाँ के एमपी, बिना यहाँ के राज्यसभा, बिना यहाँ के लोकसभा, बिना एमएलए एमएलसी हुए क्या टाइम देते थे, ये यहाँ के लोग भली भांति समझ चुके हैं। वो ये शंका